तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का आज हमारा का टॉपिक है, और आज हम बात करेंगे रेंज के ऊपर। रेंज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीवीए के अंदर, क्यों इसके पीछे रीजन है, चलिए हम पहले समझाते हैं क्या है। तो डेवलपर टाइप पे जाते हैं, विजुअल बेसिक पे जाते हैं, और यहां से इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, क्योंकि हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं मॉड्यूल्स के अंदर ही करते हैं, और हम यहाँ दो स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको दिखे। जैसे कि हमने आपके सामने बताया था कि कोई भी माइक्रो जब डिफाइन कर ले, जैसे आरा डिफाइन कर लिया, तो देखिए हम माइक्रो लिस्ट में यहाँ पे आरा शो हो जाए। तो जब भी कोई हम कोडिंग करते हैं, मेनली चार चीज लेते हैं, चार में कोई एक लेते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, वर्कबुक्स, सीट्स एंड रेंज। तो ये क्या है, जैसे अब समझ लीजिए कि आप कोडिंग नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सेल के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक्सेल के साथ क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सेंटेंस के हिसाब से। तो जब भी कोई सेंटेंस हम लोग, जैसे इंग्लिश से ले लीजिए, जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसका पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या रियोम जी, मैं सही बोल रहा हूं, नाउन या प्रोनाउन ही होता है मोस्टली, मतलब हर वर्ड हर सेंटेंस का तो नहीं, देखिए हाँ मोस्टली सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से ही शुरू होता है। उसी तरह से एक्सेल के अंदर में जब भी हम लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, वो लाइन ऑफ कोड इन चार में से एक से ही शुरू होता है मोस्टली। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लाइन ऑफ कोड जो लिखते हैं, हम एक काम देते हैं कि भैया फलना काम करना है, ये काम करना, वो काम करना है, तो काम कहाँ पे करना है और क्या काम करना है वो हम इसी चीजों से देते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करना है तो एप्लीकेशन को लेंगे और क्या सेटिंग चेंज करना है वो लिखेंगे। फाइल के साथ कुछ करना है, फाइल को सेव करना, ओपन करना है, तो फाइल का नाम लेंगे और क्या करना है वो देंगे। चीट्स का भी सेम होगा और रेंज का भी सेम होगा। तो हम यहाँ रेंज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं रेंज पे ही करते हैं। आपको कॉपी करना, पेस्ट करना, डेटा स्टोर करना, फॉर्मूला लगाना, चार्ट लगाना, पिवट लगाना, एवरीथिंग किस पे होता है, रेंज पे होता है, एक्सेल पे होता है, एक्सेल एड्रेस पे होता है, तो रेंज पे करेंगे। तो चलिए हम कोड एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम आरआर स्लैश टू कर देते हैं, और यहाँ जरूरी नहीं है कि आप जो है अपर केस में या लोअर केस में करें, आप किसी केस में कर सकते हैं, बट प्रॉपर में मत करना। क्यों, उसे पता नहीं चलेगा कोड आपने सही लिखा है गलत लिखा है। जैसे मुझे A1 पे क्लिक करना है, क्या करना है, A1 पे कर्सर यहाँ पे ऐसे ले जाना है, तो कोड होगा रेंज इन्वर्टेड कॉमा में एड्रेस जो कि A1 है डॉट सिलेक्ट। तो हमने स्मॉल लेटर में लिखा, आप देखिए कि इसका टाइटल केस हो गया, मतलब आर बड़ा हो गया, एस बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि कोड एडजस्ट कर लिया। अब मैं कहीं भी रहूं और इस माइक्रो को रन करूं तो मेरा कर्सर A1 पे चला जाएगा, तो रेंज A1। लेकिन रेंज A1 किसका, रेंज A1 सीट 1 का रेंज होना, जो एक्टिव सीट होगा होगा उसी का। मतलब कि अगर मैं सीट 3 पे जाऊं और फिर रन करूं इस माइक्रो को, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसी सीट के A1 पे चलाएगा। हम किसी किस सीट पे जाना है यहां कोड में डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो मैं चाहता हूं सीट 1 के A1 पे जाना है, तो इससे पहले आपको लगाना होगा कि सीट्स कौन सा सीट, तो सीट 1 क्या करना है, तो एक्टिवेट करना है या सिलेक्ट करना है, तो उस सीट को एक्टिवेट करके उस सीट पे सबसे पहले क्या करेगा, सीट 1 को एक्टिवेट करेगा एंड फिर रेंज A1 पे कर्सर रखेगा। लेकिन किस फाइल का, जो एक्टिव फाइल है, जैसे बुक 1 एक्टिव है ना, उस तरह से। अगर आपका कोई और फाइल होगा जैसे बुक 2 हो गया, तो मुझे बुक 2 के अंदर जाना है और सिर्फ फिर A1 को करना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इससे आगे हमें बुक 2 का रेफरेंस देना होगा, वर्क बुक्स, और यहाँ पे हमने दिया बुक 2, और उसका एक्सटेंशन क्या एक्सटेंशन है, डॉट डॉट xlsx डॉट, हमने बोला सिलेक्ट, यहाँ एक्टिवेट, सॉरी सिलेक्ट नहीं होगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट। तो आपने देखा
कि जहां वर्कबुक की जरूरत थी वहां पे हमने वर्कबुक का कोड लगाया, जहां पे शीट की जरूरत थी वहां पे हमने शीट का कोड लगाया, और जहां पे रेंज की जरूरत थी वहां पे रेंज की जरूरत पे लगाया। रेंज मतलब सेल की जरूरत थी वहां पे लगाया, समझे? किसी को डाउट इसमें? सर ये जो डॉट के बाद जो सजेशन दिखाता है वो ना मेरे लैपटॉप में दिखा नहीं रहा, सी वो मैक्रोज में तो सेटिंग है नहीं, वो कैसे करते हैं सर सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट सजेशन दिखाता है? नहीं नहीं सजेशन सब पे दिखाएगा, कुछ एक वर्ड है उस पे नहीं दिखाएगा, जैसे कि एक्टिव शीट पे नहीं दिखाएगा, सेल पे नहीं दिखाता है, शीट के साथ सर मेरे को बार 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 कंट्रोल जे करके करना पड़ता है, मतलब अपने आप आता नहीं वो डॉट करने के बाद, डॉट करने अपने आप नहीं आता है? नहीं सर ऐसा तो नहीं था, कंट्रोल जे करते हैं तो उसके नीचे लिस्ट आ जाता है। हाँ कंट्रोल जे करने के बाद आता है, यहाँ लिस्ट आता है, यहाँ आता है कि डॉट के बाद आता है? नहीं सर तो वो जैसे अगर मैं डॉट एक्टिवेट से पहले कंट्रोल जे करूंगा जब जाके एक्टिवेट आएगा, पता नहीं सर, ये तो नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा तो मेरे किसी वर्जन में नहीं हुआ है, लग रहा है सेटिंग में जैसे सर मेरे को सिलेक्ट करना है वर्कबुक, कंट्रोल जे करूंगा जब जाके सजेशन दिखाएगा कि एक्टिवेट करना है, नेम सेट करना है, जो सजेशन आते हैं ना सर वो। यहाँ पे आप डॉट लगाते हैं और कंट्रोल जे हाँ करते हैं, ये जो सजेशन आ रहे हैं ना वो नहीं आते सर मेरे में। तो डिसेबल होगा, सेटिंग दिखना होगा। हाँ सर वो सेटिंग नहीं पता कैसे चेंज करनी है मेरे। ठीक है देख बताता हूँ, ठीक है आपको इसके बारे में, मैंने कभी इसका फेस किया नहीं, इस प्रॉब्लम पहली बार ठीक है सुना है सर, मैंने ठीक आपसे। कौन सा वर्जन है आपके पास? ठीक सर ये 365 है ऑफिस का लैपटॉप था। अच्छा ऑफिस का लैपटॉप है ना, वो डिसेबल किया हुआ आपका, ये वो होगा इंटरप्राइज ए वर्जन होगा उसका, ऑफिशियल वर्जन होता है, कस्टम वर्जन होता है उसमें होता है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है सर, ठीक है ना। कई कई ओके केसेस में क्या होता है कि वीवी डिसेबल होता है, वीवी अब यूज नहीं कर सकते। तो ओके सर, जैसे आप मेरे को कि बाद में बता दीजिए। ठीक हाँ, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स, तो इसको आप देखिए रेंज, हमने रेंज ए लिया, ए वन लिया ना हमने यहाँ पे, ए वन डॉट सेलेक्ट, तो ये यहाँ पे इसको और भी तरीके से किया जा सकता है। हम यहाँ लिख सकते हैं सेल्स, सेल्स में 1,1 डॉट सेलेक्ट, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन नहीं आया, देखा आपने, डॉट लगाया और सिलेक्शन नहीं आया, कंट्रोल जे करने से भी सिलेक्शन नहीं आया, ठीक है। तो कुछ एक कोड है इस पे सिलेक्शन नहीं आता है, डॉट सिलेक्ट, तो लेकिन जैसे प्रिंट करके एंटर मारेंगे एस बड़ा हो जाएगा, समझिए लिया होगा। तो 1,1 इसको बोलते हैं R1C1 रेफरेंस स्टाइल, R1C1, समझे, रो एंड कॉलम। तो हम A1 B1 C लिख सकते हैं या फिर रेंज A1 V1 को ले सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके आगे भी ये दोनों चीज दोनों पे लगेगा। उसके बाद तीसरा जो होता है सिलेक्शन, क्या होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन डॉट कॉपी, सिलेक्शन डॉट बोल्ड, फॉन्ट डॉट बोल्ड, तो सिलेक्शन हो जाता है। और जब भी सिलेक्शन होता है एक सेल एक्टिवेट होता है, C2 क्या है एक्टिवेटेड है, तो यहां पे लिखेंगे कि रेंज C2 डॉट नहीं C2 नहीं, माफ कीजिए, एक्टिव सेल कहलाता है वो, एक्टिव सेल। तो बेसिकली रेंज जो है चार चार नामों से जाना जाता है, पहला रेंज एक पर्टिकुलर एड्रेस हो और एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक में हो तो रेंज A1 B1 C1 कहते हैं, लेकिन अगर आपके पास रेंज नंबर में हो, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 5, तो हम सेल्स को लेकर चलते हैं, एक सिलेक्टेड एरिया को लेकर चलना, आपको नहीं पता कि कौन सा रेंज है, बस इतना पता है कि एरिया सिलेक्टेड है तो सिलेक्शन लेके चलते हैं। दूसरा जो एक्टिव है जिसपे अभी कर्सर जिसपे आप टाइप करेंगे जिसपे जाएगा वो एक्टिव सेल कहलाता है। तो ये चार चीज लेके चलते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत चीजें हो सकती है इसके अंदर, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी सेल पे हम टाइप कैसे करेंगे, कोई अगर किस टाइप करना है तो टाइप कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट RR_3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। जैसे मुझे रेंज A1 पे नेम लिखना है तो मैं लिखूंगा रेंज A1.name इक्वल, नेम लिखा कीजिएगा वैल्यू होगा डॉट वैल्यू इक्वल टू यहां लिखेंगे नेम, ठीक है। जब इसको रन करेंगे तो आप देखिए यहां पे नेम लिखा हुआ आ गया। देन रेंज B1 डॉट वैल्यू लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे रोल, तो आप देखिएगा यहां पे रोल लिखा हुआ आ जाएगा। देन रेंज C1.formula इक्वल टू हमने यहां पे मार्क्स दे दिया, तो ये आपका मार्क्स है। अब बोले सर फॉर्मूला है, मार्क्स तो नॉर्मल सेल टेक्स्ट है, आपने क्यों डाला? तो फॉर्मूला का मतलब होता है कि फॉर्मूला बार में वो मार्क्स लेके डालेगा, तो फॉर्मूला बार में डाले सेल पे डाले बात बराबर ही होता है। तो आप किसी सेल में इस तरह से खुद टाइप कर सकते हैं, अगर नंबर हो तो डायरेक्ट डाल दीजिए, टेक्स्ट हो तो क्या करेंगे आप टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। लेकिन क्या हो जब हम एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल पे डालें, एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल पे डालें, जैसे मैं चाहता हूं कि जो मार्क्स है वो G1 से उठ के आए, तो मैंने यहां पे लिखा रेंज जी रेंज सी सी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज G1 डॉट वैल्यू और G1 के यहां पे इन्वर्टर कॉमा लग गया और यहां G1 पे मैं लिख देता हूं 500 + 600 1100। अब मुझे सिर्फ इस लाइन को ही रन करना है, तो कैसे रन होगा? तो उसके लिए आपको यहां डिवर्ग में जाना हो, कहां जाना होगा? डिवर्ग। डिवर्ग के अंदर जब जाएंगे तो यहां स्टेप इन्फो दिखेगा, इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का एलो निशान यहां पर आ जाएगा। अब इस एलो निशान को लेके आइए और जिस जो रन करना चाहते वहां पे जाइए और फिर कीबोर्ड का F8 या डिवर्ग पे जाके इस क्लिक कर दीजिए, सिर्फ वही चीज रन होगा। देखिए रन हुआ, यहां से रीसेट कर दीजिए तो आप देख पा रहे हैं कि 1100 आया, मतलब इसके अंदर फॉर्मूला लगा था, फॉर्मूला नहीं आया, सिर्फ क्या आया? सिर्फ उसकी वैल्यू आई है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने G1 का वैल्यू लिया, लेकिन मैं यहां पे G1 का फॉर्मूला लूंगा तो क्या होगा? फिर फॉर्मूला आएगा, फिर स्टेप इन्फो डिबग में जाते हैं स्टेप इन्फो और फिर इसको एरो निशान को यहां रखते हैं एंड F8 यूज करते हैं रन करके। अब देखिए सर यहां फॉर्मूला आया, तो एक चीज ध्यान रखिए कि जिस पे वैल्यू डल रही है वो वैल्यू हो या फॉर्मूला हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर किसी सेल से वैल्यू आ रही है वहां पे फर्क पड़ता है। और जैसे हमने ऊपर आपको समझाया कि एक्टिव सेल यहाँ पे वर्कबुक और शीट का रेफरेंस देना जरूरी है क्योंकि पर्टिकुलर शीट है, तो ऐसे यहां भी है। जैसे मुझे नेम टाइप करना है शीट 3 के अंदर, तो अब मैं शीट 3 को एक्टिवेट करूं फिर रेंज A1 और फिर जाके नेम टाइप करूं, ये भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे ऐसा कोड लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कि यहाँ पे ये सीट ये कोड डालू मैं कि शीट 3 डॉट एक्टिवेट देन यहाँ पे हम इसकी एक कोड डालो कि A1 इससे क्या होगा कि आपका शीट जो है शीट 1 से शीट 3 एक्टिवेट हो जाएगी और फिर यहाँ पे नेम लिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि शीट 1 यही रहे, शीट 3 पे बैकएंड में डेटा चले जाए, शीट 3 को एक्टिवेट करने की जरूरत ना पड़े। तो कोई बात नहीं, आप जो शीट 3 का रेफरेंस लिए हुए हैं यहां पे कॉपी और यहां पे, तो ये डायरेक्ट इस तरह से लिख दीजिए, फिर शीट 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ये शीट 1 रहेगा भी और डायरेक्टली शीट 3 में जाके A1 पे नाम लिख देगा।
क्वेश्चन आता है कि आपने यहाँ सिलेक्शन में तो ऐसा नहीं किया, सिलेक्शन में तो आपने बोला करना चाहिए। क्या है कि सिलेक्शन स्क्रीन चेंज करने वाली बात है, क्योंकि आपको बिना गए सीट पे गए आप A1 पे कर्सर थोड़ी रख देंगे, कर्सर रखने के लिए तो सीट 3 पे जाना ही होगा ना। तो इस यहाँ ऊपर वाले केसेस में ऐसा हम नहीं कर सकते थे, नीचे वाले केसेस में यहाँ हमको करना जरूरी था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों का सर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आ रहा है, आ रहा है। और साथ में अगर मुझे पर्टिकुलर फाइल Book 2 पे भेजना है तो फाइल का रेफरेंस भी यहां पे दे दीजिए, तो उस फाइल के अंदर चला जाएगा। तो आप इस तरह से वैल्यू को डायरेक्टली भेज सकते हैं, या कॉपी पेस्ट करवाना है तो कॉपी पेस्ट भी करवा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि A1 की कॉपी करके C3 पे चले जाए, तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए कोड होगा, अब यहाँ पे कोड लिखता हूँ ताकि वहां पे देख सके। यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं RR_4 ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले हम करते हैं रेंज A1.copy, लेकिन किसका A1 कॉपी? तो हमने यहाँ पे लिखा कि शीट्स, यहाँ पे Sheet1.select, ठीक है, एक कॉपी। तो इसको इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, Sheet 3 शीट्स, और यहां पे Sheet3.select रेंज A1.select, कर्सर रखेंगे उस पे हम, एंड एक्टिव Sheet.paste, क्योंकि पेस्ट जो है सीट का मेंबर है। तो क्या करेगा, तो इसको 1 by 1 करते हैं। ठीक है, C2 पे हूं, मान लीजिए मैं यहाँ C2 पे हूँ, एफेट करता हूँ स्टेप इन्फो में, यहाँ पे यहाँ देखिए स्टेप इन्फो एफेट, एक एक करके रन होगा। तो सबसे पहले क्या किया, C1 पे आया, आया C1 पे, फिर इसने A1 को कॉपी किया, कॉपी किया, फिर C3 पे गया और फिर A1 को सिलेक्ट किया, देन पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए शॉर्ट में लिखने के लिए सिंपल यहां करेंगे कि शीट्स, और शीट्स में हम देंगे Sheet1.range A1.copy, फिर Sheet3.range A1। अब यहां पे डॉट सिलेक्ट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बताया था डॉट सिलेक्ट करने के लिए पे सीट पे जाना होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल, क्योंकि पेस्ट जो है सीट का पार्ट तो है नहीं, लेकिन पेस्ट स्पेशल, सॉरी पेस्ट जो है वो तो आपका इसका पार्ट है ना, सीट का पार्ट है, बट पेस्ट स्पेशल जो है वो रेंज का पार्ट। तो अब ये जो है C2 हम यहाँ पे एक मान डिलीट कर देता हूँ, एक बार इसको नहीं। अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो आप देखेंगे, एक मिनट, एक नाम के 2 माइक्रो नहीं होने चाहिए। हमें इसको रन करूं तो देखिए हम C2 पे ही हमारा कर्सर है, लेकिन आप देखेंगे C3 पे हमारा नेम पेस्ट हो गया, और C1 देखिए यहाँ कॉपी दिख रहा है, दिख रहा है? तो हमने इस मेथड को भी हम फॉलो करेंगे, लेकिन इसने क्या किया, इसने टोटल 5 स्टेप लिया और ये सिर्फ 2 स्टेप में हो गया। 2 फायदा है, एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम किया नीचे वाले में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जब आप बड़े बड़े मैक्रो बनाओगे जहां पे लाखों कर हजारों लाखों की स्टेप्स को काउंट करना होगा, वहां पे ये छोटे छोटे लाइंस आपके लिए फायदेमंद होंगे। दूसरा, आपका कोड जो है कम गया, कल के डेट में इसको एडिट करना आसान रहेगा, क्योंकि अभी तो चलो आपने लिख लिया, अब मान लीजिए कि अभी आपने 10-15 पेज का कोड लिख लिया,
लेकिन हो सकता है कि 2 या 3 या 4 साल बाद उसको चेंज करना हुआ, किसी और को करना, कि आप ही को करना हुआ, तो आपको पहले पूरा कोड पढ़ना होगा, देन आप चेंजिंग कर पाए, तो उस समय ये आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज होगी। समझ गए सर? हेलो। जी हाँ, यस सर, तो आज हमने क्या सीखा? आज हम रेंज को सीखे, हमने बात की कि कैसे रेंज को हैंडल करें, मतलब कॉल कैसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, कॉल किया। दूसरा हमने बात की आपके साथ कि एक रेंज के ऊपर हम वैल्यू को कैसे डालेंगे, कोई भी टाइप करनी है कैसे डालेंगे, या किसी और शीट की वैल्यू किसी और शीट पे हम कैसे डालें। दूसरा हम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, या कॉपी पेस्ट स्पेशल कैसे करेंगे। समझ में आएगा आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। तो बेसिकली क्या है कि अभी आपको क्या, जैसे कि आप वर्ड मीनिंग याद करते थे ना, है करते थे लैंग्वेज में ना, उसी तरह से कुछ चीजें आपको याद करनी होगी। जैसे कि रेंज, सेल्स, सिलेक्शंस, एक्टिव सेल, ये चीजें याद करनी पड़ेगी। टाइप करने के लिए वैल्यू होता है, फॉर्मूला वैल्यू तो एक ही होता है, लेकिन फॉर्मूला जब किसी सेल से फॉर्मूला लेके आते हैं तो वहां पे फॉर्मूला लानेंगे तो फॉर्मूला उठेगा, वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू उठेगा। किसी एक सीट से दूसरे सीट पे डेटा हमें कॉपी पेस्ट करना है तो हम उस सीट को एक्टिवेट करके भी डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, क्योंकि पेस्ट जो है एक्टिव सीट का पार्ट है और पेस्ट स्पेशल रेंज का पार्ट है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये सारे लाइन को एक एक करके आप कीजिए यूज, ठीक है, और कुछ चीजें बना के बताइए मैक्रो के रूप में। कल हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हम डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम क्या कर रहे हैं, पिवट लगाना है नीड टू सिलेक्शन, चार्ट लगाना है नीड टू सिलेक्शन, कॉपी करना है नीड टू सिलेक्शन। तो कुछ भी करने के लिए हमें डेटा को सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो आज एक दो पवन वगैरह नहीं है तो आज इस टॉपिक को नहीं करा रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वो आएंगे तो मुझे इस टॉपिक को दोबारा कराना पड़ेगा। तो आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं।